नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी टीवी भारत। मैं हूं प्रियंका। शुगर ऐसी बीमारी है जिसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में इस बीमारी में इजाफा हुआ है। भारत में फिलहाल करीब 7.7 करोड़ लोग शुगर से पीड़ित हैं, जबकि लगभग 8 करोड़ लोग प्री डायबिटिक से पीड़ित हैं। अनुमान है कि 2030 तक यह आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। दुनिया में चीन ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा शुगर के मरीज हैं। इसके बाद भारत डायबिटीज की राजधानी बन गया है, जहां 50% लोगों को पता ही नहीं है कि वो शुगर से पीड़ित हैं। यह ऐसी बीमारी है जो खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से पनपती है। इस बीमारी को कंट्रोल करना है तो डाइट पर कंट्रोल करना जरूरी है। डाइट को कंट्रोल करते ही ब्लड में शुगर के स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है। शुगर कंट्रोल करने के लिए ड्राई फ्रूट्स बेहद उपयोगी होते हैं, जो बॉडी को एनर्जी देते हैं। साथ ही उसके सेवन से शुगर भी कंट्रोल रहती है। आइए जानते हैं तबियत पानी में शुगर के मरीजों के लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स फायदेमंद होते हैं। बादाम न केवल दिमाग तेज करते हैं बल्कि शुगर भी कंट्रोल करते हैं। बादाम में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जो शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। बादाम के सेवन से इम्यूनिटी स्ट्रांग भी रहती है। अखरोट में मौजूद फाइबर डायबिटीज के रोगियों को फायदा पहुंचाता है। इसके सेवन से न सिर्फ याददाश्त दुरुस्त रहती है बल्कि डाइजेशन भी ठीक रहता है। ड्राई फ्रूट्स में काजू डायबिटीज पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर के अलावा कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें कैलोरी की कम मात्रा होती है, जिसकी वजह से वजन कंट्रोल रहता है। तनाव को कम करने में बेहद कारगर होते हैं काजू। मूंगफली का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद फाइबर, प्रोटीन, गुड फैट्स और अल्फा लिपोइक एसिड शुगर के मरीजों के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। फाइबर युक्त मूंगफली को पचाना आसान होता है, साथ ही इस पे ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहती है। पिस्ता भी शुगर कंट्रोल करने में बेहद असरदार है। इसमें गुड फैट होता है, इसलिए शुगर के मरीज इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसका सेवन करने से बॉडी में एनर्जी आती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए वीरी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।